दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। कांगड़ा के चढ़ियार अस्पताल में मिला भ्रूण, बाथरूम में सफाई के वक्त सनसनीखेज मामला सामने आने से हड़कंप। ठियोग में सेब की काला वैरायटी की धूम, आधी पेटी के लिए लगी 2000 रुपए की बोली। पांवटा साहिब में किसानों ने जमकर लगाए नारे, पूछा आखिर कब मिलेगा तूफान से तबाह हुई फसलों का मुआवजा। कंडाघाट में कर्मचारियों को हक दिलाने के लिए उठी आवाज, लंबित मांगे पूरी करने को लेकर सीएम से गुहार। कर्मचारियों को भी सुन ले सरकार, महासंघ ने एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जिला कांगड़ा के सिविल अस्पताल चढ़ियार में शौचालय में 4 माह का भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह जब अस्पताल के सफाई कर्मचारी सफाई के लिए आए तो वहां उन्होंने एक भ्रूण पड़ा देखा। इसकी सूचना उन्होंने सीधा अस्पताल प्रशासन को दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। उधर बीएमओ महाकाल दिलावर सिंह ने बताया कि भ्रूण को जांच के लिए भेजा जाएगा, पुलिस छानबीन में जुटी है। कोरोना महामारी के दौर में सेब सीजन रफ्तार पकड़ने लगा है। अब लगातार सेब की फसल बाजारों तक पहुंच रही है। इसी बीच गाला वैरायटी सेब की आधी पेटी 2000 रुपए में बिकी है, जिसे ठियोग से लाया गया था। यह सेब सूरत से आया एक व्यापारी अजगर ने खरीदा है। वहीं इस सेब के ग्रोवर विशाल बेगटा है। इसकी बोली 1100 से शुरू हुई और 2000 पर जाकर रुकी। 1100 1200 1300 1300 क्या रेट है? अरे 1300। ये भाई जी 4 मीडियम 6 स्मॉल 4 एक्स्ट्रा 1 240 जी। ग्रोवर विशाल बेगटा का कहना है कि वह इस दाम से बहुत संतुष्ट है। उन्होंने बाकी बागवानों को संदेश दिया कि अपनी फसलों को अच्छे तरीके से पकने दें और इंतजार करें, सही समय पर उन्हें तोड़ें और तभी बाजारों में लाएं। इसके बाद उनकी पेटियों के भी अच्छे दाम मिलेंगे। अप्रैल माह में ओलावृष्टि और तूफान से तबाह हुई गेहूं की फसल का मुआवजा न मिलने से गुस्साए पांवटा के किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। हिमाचल किसान सभा पांवटा साहिब के बैनर तले दर्जनों किसानों ने यहां रैली निकाली। इसके बाद कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की। वहीं जिला महासचिव गुरविंदर सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, जो कि सहन नहीं की जाएगी। इस दौरान अधिकारियों के माध्यम से किसानों ने प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा है। बीच में लॉकडाउन का पीरियड गया, उसके बाद आज हम इसलिए एकत्र हुए। इस महामारी के चलते हम यहाँ क्यों आए, ये हमें मजबूर किया गया। मजबूर इसलिए किया गया, किसान की फसल बर्बाद हो गई। ओले पड़ने से किसान की फसल भारी बरसात होने से बर्बाद हो गई। उसकी जानकारी हम लगातार अपने प्रशासन को देते रहे। हम लगातार मीडिया के जरिए प्रदेश सरकार को भेजते रहे। उसके बावजूद सीमित संख्या में आके एक रेपुटेशन बना के एसडीएम महोदय के साथ पास से हमने यहाँ से ज्ञापन भेजा सरकार को, जिलाधीश महोदय के लिए। उस ज्ञापन के ऊपर तुरंत कार्रवाई भी हुई। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों की मांगे पूरी करने के लिए सरकार जगाओ सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कंडाघाट ने धर्मेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में एक ज्ञापन एसडीएम कंडाघाट के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। इस दौरान लंबित मांगे पूरी करने और संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक करवाने की मांग की गयी। साथ ही मुख्यमंत्री से 56 सूत्री मांग पत्र पर भी चर्चा करने की अपील की गयी। आज राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित इस कॉल के माध्यम से हमने माननीय एसडीएम महोदय के थ्रू एक ज्ञापन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को प्रेषित किया है, जिसमें कर्मचारियों की
बड़े लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों के बारे में कहा गया है तथा संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक सरकार तुरंत करवाए इसके लिए उनसे निवेदन किया गया है। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम श्रवण मांटा के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। इस दौरान अध्यक्ष एनआर ठाकुर ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों से हिमाचल सरकार कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाने में उदासीन रही है। कर्मचारी महासंघ द्वारा सरकार को सौंपे गए 56 सूत्री मांग पत्र पर न तो सरकार से कोई चर्चा हुई, वहीं जेसीसी भी आयोजित नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के मुद्दों को शीघ्र सुलझाया जाए, यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किए जाएंगे। का मकसद यही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जिस तरीके से कर्मचारी और श्रमिक विरोधी नीतियां लागू कर रही हैं, पूरे देश के अंदर उसको लेकर के विरोध है। और हिमाचल प्रदेश में भी अगर हम देखें तो पिछले 2.5 सालों से हिमाचल सरकार जो है वो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक करने में जो है असफल रही है। 23 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से मिला हूँ और मैंने आग्रह किया है इन 2.5 सालों में कि संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक आप कीजिए, जिसके साथ भी आपको लगता है कि मेजोरिटी जो फेडरेशन के साथ है उस फेडरेशन के साथ आप संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाइए।